आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। एक्टर और खुद को फिल्म समीक्षक समझने वाले कमाल आर खान दुनिया में हर संभव चीज के बारे में राय रखते हैं। KRK हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बॉलीवुड सेलेब्स पर अपनी राय को लोगों के सामने रखने पर वह अक्सर ट्रोल हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक 5 भविष्यवाणियां की है। इसमें प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के साथ सैफ अली खान और करीना कपूर खान, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल है। उनकी भविष्यवाणी सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। कमाल खान जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे रहना है। सलमान खान, मीका सिंह, अक्षय कुमार, विद्या बालन और नीतू कपूर और उनके परिवार पर कटाक्ष करने के बाद हाल ही में उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट में भविष्यवाणी की है। ये भविष्यवाणी प्रियंका और निक, सैफ और करीना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 2024 के चुनाव से पहले क्या होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी भी कर दी है। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने सैफ और करीना के लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, सैफ और करीना कपूर के दोनों बेटे कभी अपने नाम की वजह से सुपरस्टार एक्टर नहीं बनेंगे। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन सोनिया गांधी की मृत्यु के बाद। KRK ने अपने तीसरे ट्वीट में बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में डंका बजाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनास के लिए भविष्यवाणी की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, निक जोनास प्रियंका चोपड़ा से 10 साल में तलाक ले लेंगे। चौथे ट्वीट में उन्होंने किसी एक्टर का नाम नहीं लिया और लिखा, ये एक्टर बड़ा स्टार बनेगा लेकिन अपने पिता के निधन के बाद। ट्वीट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किस एक्टर की बात की जा रही है। KRK की ये भविष्यवाणी देखने के बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तो KRK के इन ट्वीट्स को देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं, कभी तो किसी के लिए अच्छा बोल दिया करो। तो कोई कह रहा है कि जब भी मुंह खोलते हो तो गंद ही निकालते हो। ये पहली बार नहीं है जब KRK ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी वह कई सेलेब्स के बारे में अपने विचार रख चुका है। यही वजह है कि KRK के खिलाफ सलमान खान ने मानहानि का केस दर्ज किया हुआ है। सलमान की लीगल टीम के मुताबिक KRK ने एक्टर और उनके NGO ह्यूमन बीइंग के खिलाफ कई नेगेटिव स्टेटमेंट दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज़।